जिस मकसद से आप चुनाव लड़े थे, विकास करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, सही काम जनता तक पहुंचे उसके लिए, तो सही अर्थों में जो जनादेश आपको मिला है एक विपक्ष का, तो उसको रोल कीजिए और निश्चित में आप उसी में अपने आप को मुखिया बन पाए समझेंगे। आपको बता देते हैं कि लोगों ने भारी समर्थन दिया है, कम समर्थन नहीं दिया है। कोई भी प्रत्याशी 550, 500, 700 वोट लाया है तो भारी प्रत्याशी दिया है, बहुत अच्छा समर्थन दिया है। आज आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं, जब चुनाव लड़ते नहीं लेकिन लोगों ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव में जरूर उतरे हम, लेकिन हम एक ही चीज के हैं, जो जनतंत्र पर धनतंत्र हावी ना हो, बराबरी का मौका मिले। हमने कहा जब ऊपर क्वार्टर में कोई कार्यालय नहीं खुलेगा, हमने कहा कि वहां एक कप चाय नहीं पिलाएंगे, हमने कहा जो जिस आदमी ने 36 वर्षों तक शराब नहीं पिया हो वो अपने चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाकर शराब पिलाकर वोट नहीं देंगे, और हमने जो कहा उसने किया। आप बेरमो बस्ती में, मनोज सिन्हा शायद नहीं होगा, बेरमो बस्ती में ही 15,000 रुपया का डिमांड आया था, हमने बोला जो भाई हम रुपया से नहीं खरीदेंगे आपको, इसलिए नहीं खरीदेंगे कि हम विकास करने के लिए आए हैं, विकास के बारे सोचने आए हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए आए हैं, तो आपको वोट हम नहीं खरीदेंगे। हमने हरिजन बस्ती गया, वहां भी बोला फलां प्रत्याशी ने इतना रुपया दिया, इतना बोला जो चुनाव जीत के बाद चल रही तो पैसा दे देंगे, बोला हमने वो चीज नहीं किया। हमने नीचे क्वार्टर तरुण संघ का क्लब का ऑफर आया था, जो क्लब का ऑफर आया था, मैंने अपने ही लोग थे, बोले जो इस क्लब को लड़के को एक कैरम बोर्ड दे दीजिए, यहाँ का लड़का लोग आपको मत देगा। हमने देखो बाबू कैरम बोर्ड हम नहीं देंगे, लेकिन तुमको कैरम बोर्ड देंगे तब जब हम जीतेंगे या हारेंगे, या तुम मत देना, हारने के बाद भी तुम्हारे क्लब में तुमको कैरम बोर्ड पहुँच जाएगा। और हम बोले हैं जो अभी अपने साथियों को बोले हैं वहाँ पर एक कैरम बोर्ड देना है, क्योंकि हम तुम्हारा मत नहीं खरीदेंगे। हम नीचे क्वार्टर में एक आपका ये ताती धोड़ा ने कौन चीज है जो छोटी अच्छा हाड़ी धोड़ा है, वहाँ पर बोला गया जो 12,000 का पाइप लगेगा, सुधे भी अगर पाइप यहाँ लगवा देते हैं तो यहाँ का मत आपका है। हम बोले पाइप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है 12,000 रुपया का, लेकिन चुनाव के बाद लगाएंगे, इसलिए तुम्हारा मत को हम खरीदेंगे नहीं। चुनाव के बाद अगर विश्वास है तो मत देना, और नहीं तो मत देना, पाइप हम नहीं लगाए। तो ये सब चीज़ चुनाव में दारू मुर्गा पाइप लाइन सब चीज का आया, हमने तीरे से खारिज किया। तो नहीं, जब विकास करने की बात समझते हैं, जो पहला ही स्टेप मेरा खरीद प्रोक्त का होगा, पहला ही स्टेप हम जनता को खरीद कर चुनाव जीतेंगे, तो निश्चित हम विकास की बात नहीं सोच सकते हैं। जब हम यहाँ पर आए हैं विकास करने के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए, गरीब गुरबों की भलाई के लिए, तो खरीद कर मत को हासिल नहीं करेंगे, गैर कानूनी तरीका से हम जीत हासिल नहीं करेंगे, धन तंत्र या बल तंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। एक आम प्रत्याशी जैसे और प्रत्याशी हैं, एक आम प्रत्याशी की तरह हम भी प्रचार करेंगे, और जनता अगर काम किया तो वो वोट देगी, और ना करेगी तो फिर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, जनता ने मत दिया, काफी मत दिया, हम नकारना नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी चूक भी है, और हम लोग को काम करना है, हम लोग को और प्रयास करना है और आगे बढ़ना है, इस पंचायत को आगे बढ़ाना है। हमारे साथी WD से आए हुए हैं, छोटा क्वार्टर से आए हुए हैं, गांधीनगर से आए हैं, बेरमो बस्ती से आए हैं, क्यू टाइप से आए हुए हैं, और मैं सभी जगह से आए। आज आपके साथ विकास की योजनाएं हमारी सम्मानित मुखिया के पास बहुत सही योजना, हमको जो नौजवानों को रोजगार देने की बात करना है, विकास की योजनाएं जो भी हो उसका देखभाल उसकी निगरानी हम लोग को करना है, हम लोग लूट नहीं मचाने देना है, इसलिए कि फिर मैंने धन तंत्र फिर हावी हो, ओरिजिनल काम हो, और सही अर्थों में बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो भी योजनाएं आए उसे आम सभा के द्वारा पारित किया जाए, उसके एजेंट आम के सभा के द्वारा बेरोजगारों को नियुक्त किया जाए, अगर एक भी ठेकेदार होता है तो हम लोग खड़े होकर उसका कड़ा निगरानी करके उसको पैसा नहीं लेने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। हमारे पूर्वी पंचायत के, चूंकि औपचारिकता निभाते हुए एक पूर्वी पंचायत के मनोज पासवान जी हैं, काफी जुझारू साथी हैं, और
इन्होंने बहुत अच्छा मत प्रकट प्राप्त किया है और काफी संघर्ष किया है, तभी इनको इसको भी लोगों ने चाहा है और हम इनका भी अपना विचार जानना चाहते हैं, हम रणनीति जानना चाहते हैं कि हम लोग आगे की रणनीति कैसी हो, हम कैसा प्रयास करें जो सही लाभ सभी सही लोगों पर पहुंच सके, सही विकास जनता का हो सके।